मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोंस और आज मेरे साथ मेरे शो पे 11 एक्सक्लूसिव मौजूद है बहुत ही फ्रेश और न्यू टैलेंटेड लड़का मुंबई का मेरा भाई अर्जुन करंगो। तालियां बजाओ मेरे भाई, तालियां। मगर स्टूडियो में ही जा रहे ना हम लोग सुबह से, तो एक स्टूडियो में गए थे वहां पर तो एक ही सेटिंग था कोल्ड और ये तो ठीक है यार, ये तो वैसे भी कंफर्टेबल है। देखो भाई देखो ना, दिल्ली का टेम्परेचर इतना हॉट क्यों है? क्योंकि आपका वीडियो आने वाला है फुर्सत गाने का। अरे अभी ताली बजा के भाई का गाना आया फुर्सत। तो भाई देखो गाना आपका फुर्सत लिरिकल वीडियो आ गया, ऑफिशियली वीडियो आने वाला है, तो फुर्सत गाने के बारे में बताओ। गाना बना था स्वीडन में, जहाँ पर बहुत ठंड थी और बना था बाकी बातें के साथ, तो वही कंपोजर्स ने वही लिरिसिस्ट ने ये गाना भी लिखा है और काफ़ी मतलब अलग किस्म का गाना है। जैसे कि पहला वाला पार्टी था, ये बहुत बैलेड है ये तो, और मुझे कुछ अलग करना था बैलेड की स्पेस में भी, अगर बैलेड हो भी तो बॉलीवुड जैसा बैलेड नहीं करना था मुझे, क्योंकि अभी वो पूरा स्पेस बहुत सैचुरेट हो गया है। तो मैंने सोचा कि कुछ अलग करूँ और साउंड अलग निकालूँ कुछ, तो वहाँ इसलिए स्वीडन गए थे। वो प्रोड्यूसर्स हैं दो, यिल्वा डिम्बर्ग और लुडविग लिंडल, जो बहुत अच्छे काम करते हैं, मतलब वन डायरेक्शन के साथ, स्नूप डॉग के साथ, जस्टिन बीबर के साथ, इन लोगों के साथ काम कर चुके हैं इन लोग, और मुझे लगा कि अच्छा इन लोगों के साथ करते हैं यार, हम लोग क्यों नहीं जा सकते, अगर वन डायरेक्शन जा सकता है तो हम लोग का क्या कमी है, वहाँ पर जाके करते हैं उनके साथ। तो बाकी बातें तीन घंटे में बना था, दूसरे दिन फुर्सत बना था। और बहुत मतलब डिफरेंट गाने हैं ना, बिल्कुल डिफरेंट गाने हैं, तो बट आई फील लाइक दिस सॉन्ग इज अबाउट हार्ट ब्रेक, सो अबाउट सेइंग गुड बाय टू समवन यू डोंट वांट टू से गुड बाय टू। और आपने इंटरव्यू के पहले क्या बोला था कि जब तक दिल नहीं टूटता है म्यूजिक तब तक संगीत नहीं निकलता है, रॉक स्टार ने बोला था। हाँ जी हाँ, तो या तो मतलब असली में दिल टूटा या वीडियो में दिखाया दिल टूटा? टूट चुका है, मगर मेरी कहानी नहीं है ये मयूर जी की कहानी है। वो बोलते रहते ये यार मुझे एक हार्ट ब्रेक का गाना लिखना था, पहले से ही बोल रहा था, तो अपने हार्ट ब्रेक के बारे में लिख दिया उसने। और मयूर मैं बोल नहीं सकता एक्चुअली क्या स्टोरी है इसकी, बिहाइंड उसकी एक गर्लफ्रेंड थी शादी के पहले और ना बोलना पड़ा उसको, बाय बाय बोलना पड़ा। हाँ। शायद उसके बारे में था। ठीक, देखो भाई जो आपका पहला गाना था बाकी बातें पीने बात, वो इतना बड़ा सुपर हिट हुआ और एक पार्टी नंबर था, लेकिन ये जो गाना है फुर्सत, ये थोड़ा जैसा आपने बोला कि दिल टूटा हुआ गाना है, थोड़ा सॉफ्ट नंबर है, तो बड़ा सरप्राइज दिया आपने, ये सरप्राइज क्यों दिया लोगों को? पार्टी के बाद घर नहीं जाते हो क्या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ बात ही करते हो? दिल टूटा ना, पार्टी का दिल भी टूटता है, पार्टी के बाद दो बंदे लेके जाते हैं, टूटता है इसलिए पार्टी के लिए करते जाते हैं हम लोग। लड़की लोग का ऐसे सोच है कि अरे हाँ अभी दिल टूट गया, अभी पार्टी में दूसरी लड़की मिलेंगे हम लोग, तो वो सोच पार्टी में जाते हैं, तो घर भी जाते हैं उसके बाद, अभी गर्लफ्रेंड को मिस भी करते हैं हम, सेम लोग यार, वही लड़की है जो पार्टी में जाते हैं और वही लड़कियों को गाना गवाते हैं हम लोग, तो आई मीन इट्स द सेम पीपल, इट्स द सेम ऑडियंस। अच्छा भाई, तो सोचा हुआ था कि मतलब यार सरप्राइज करूंगा लोगों को? ऐसा नहीं है यार, इट्स जस्ट अ डिफरेंट साइड ऑफ मी, आई थिंक दैट एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट साइड टू देम दैट यू कैन रिमूव थ्रू म्यूजिक एंड शो पीपल थ्रू म्यूजिक, तो वही आइडिया था कि पहले पार्टी गाना करूंगा क्योंकि मुझे वो गाना अच्छा लगा, जब लुई बोलते हैं लुडविग को हम, लुई जब हमने गाना सुनाया था उसने कि ये मेरा एक स्क्रैच है, स्क्रैच में देखो आप ऐसे कर सकते हो ऐसे कर सकते हो, मतलब ये तो बहुत अच्छा है, मुझे इससे ही लॉन्च करना है अपने आप को, तो वी लॉन्च बिकॉज ऑफ दैट। बट इमीडिएटली आफ्टर दैट अगले दिन जब मयूर ने ये लिरिक्स दिखाए फुर्सत जो मैंने खुद से, तो अपनी खबर लेना, मतलब ये मेरा अगला गाना है यार, प्लान नहीं किया था हम लोगों ने कि पहले पार्टी करेंगे फिर, ऐसे हो गया और मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरी आवाज़ इसमें अच्छी लगी, तो अच्छा गुड सेकंड सॉन्ग यू नो। तो भाई देखो आपने एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया मुझे, जो ऑफिशियल वीडियो आने वाला है उसमें सोनल चौहान के साथ पपिया झपिया रोमांस कर रहे हैं, उसके बारे में बताओ, हमारे तो सपने आप पूरे कर रहे हो। हम लोग एक्टर है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, ऐसे कुछ बताने की बात नहीं है, हम गए थे शूट पे, जो रिक्वायरमेंट थी वो किया और निकल गए वहां से। तो कैसा लगा? अच्छा तो बताओ ना कैसा फील हुआ? अच्छा ही हुआ यार, केमिस्ट्री इतनी अच्छी, मैं देखा वीडियो, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत क्लोज हो, तो उसके बारे में बताओ केमिस्ट्री के बारे में। इट वाज नेचुरल, आई थिंक दैट इन जनरल सोनम इज एन अमेजिंग एक्टर एंड शी रियली गॉट द स्क्रिप्ट आउट, बिकॉज आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो फिर आपको पता होगा कि बहुत अलग किस्म की स्क्रिप्ट है। हाँ, तो इफ यू प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड, आपको पता लगेगा कि मैं क्या क्यों कह रहा हूँ ये।
और सोनल इज एन अमेजिंग एक्टर एंड शी इज अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन. तो आई डोंट थिंक इफ इट वाज एनीबडी लेस प्रोफेशनल आई वुड बी एबल टू डू दिस बिकॉज ये ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है यार सेट पे. अभी रोमांस करना पड़ता है किसी को तो लोग सेट पे 20 लोग हैं देख रहे हैं हम लोगों तो ऐसा बस तो थोड़ा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है. ये अगर ऐसे कुछ करेंगे रोमांटिक करेंगे तो सब लोग को प्रोफेशनल बनना बहुत जरूरी है एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक एवरीबॉडी वाज वेरी प्रोफेशनल अबाउट दिस इंक्लूडिंग सोनल एंड मेरा तो फर्स्ट टाइम है ऐसा कुछ करते हुए. तो आई मीन इट वॉज वेरी ऑकवर्ड फॉर मी बट ठीक है कर लिया. इट वॉज वेरी इट वॉज अ तो अपनी खबर लेना फुर्सत जो मिले खुद से ओ हसरत की हथेली पे मेरे दो पल रख लेना फुर्सत के उसी पल में कभी कभी ये कह देना. क्या बात है भाई ये गाना देखो गाना वैसे हिट हो चुका है. गाने से मुझे याद आया कि देखो आप लड़कियों के बीच में ना आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है तो जो लिरिकल वीडियो आता उसमें सारी लड़कियां हैं और वैसे मुझे लड़कियां बहुत सारे कल मैंने पोस्ट किया था एफबी पे कि अर्जुन कनगो का मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ उसमें बहुत सारी लड़कियों ने मैसेजेस भेजे हैं ये करा वो करा. तो भाई इतनी फैन फॉलोइंग आपकी लड़कियों के बीच में उसके बारे में बताओ यार क्या बताऊँ उसके बारे में. लास्ट टाइम दिल्ली आया था ना तो मैं होटल के बाहर खड़ा था और ये 10 लड़कियां मेरे ऐसे They were walking towards me, they were gonna attack me. मतलब ये क्या हो रहा है यार कोई कुछ मारपीट हो रही है यहाँ पर क्या हो रही है. तो I came to be like अरे big fans ना तुम पहली बार ये हुए मेरे साथ दिल्ली में होता एंड आई वॉज क्वाइट शॉक्ड क्योंकि अभी यू नो आई हैव बीन अ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट फॉर सो लॉन्ग. वो स्ट्रगल करके वो यूज टू हो जाते हैं हम लोग स्ट्रगल के तो इट्स इट वॉज क्वाइट डिफरेंट एक्सपीरियंस. अभी एक ट्रैक बड़ा हो गया मतलब हिट हो गया बाकी बातें तो शायद अगला हो जरूरी नहीं है. तो उस अप्रोच से लेके हर गाना अलग से कर रहा हूँ मैं और आई वांट टू गिव माय एवरी सॉन्ग 2000% अगर 100 200 2000 डाल रहा हूँ मैं 2016% डालो 2016 है हाँ 2016% डालो 2016% राज ने बोल दिया भी कर लूँगा बट या इट्स जस्ट अबाउट ट्रीटिंग एवरी सॉन्ग इंडिविजुअली. ओके लेकिन हम लड़कियों की बात करते हैं फैंस की बात करते हैं आपकी फीमेल फैंस के बारे में. So I am very thankful for them यार. I am very thankful for all the fans. आप लड़कियों को नहीं जानते जो फैंस हैं. किसकी आपके है मेरे आपके मेरे ये तो सारे लड़के फैन हैं. लड़की फैंस हैं हाँ लड़कियां तो आपकी है सर. नहीं मुस्ताजा हैंडसम आप दिखते हो मुस्ताजा अच्छा आप गाते हो स्टाइल देखो ना इनकी. मैं तो जैकेट पहन के आया हूँ कुछ दिल्ली में जैकेट गलत स्टाइल है ये इनकी. इनका स्टाइल देखो पूरा कैप वैप लेके आए हैं वो. ये कैप से कुछ नहीं होता अगर देखो आप गिटार पे छेड़ दो शर्ट देखो ना ब्लैक व्हाइट सब है उनके पास ब्लैक व्हाइट ग्रे पूरा कलर कॉम्बिनेशन लेके आए हम पूरा ब्लू पेन क्या है अभी उसमें क्या है. अच्छा ठीक है भटकते नहीं है मुद्दे पे वापस आते हैं इंटरव्यू पे. भाई लड़के आपको बहुत ही क्या बहुत हॉट है मैंने देखा आपके सिक्स पैक है दिखा दो लड़कियों को. नहीं ये सब अभी क्यों सिक्स पैक है मैंने फोटोज देखी है गूगल पे है सच में आती है दिखाओ. ये रेडियो इंटरव्यू था टीवी इंटरव्यू नहीं है टीवी इंटरव्यू भी नहीं देखता ये. अरे पैसे देते हैं लोग ये यूट्यूब पर चलेगा ये दिखेगा पैसे निकालो फिर आज दिखाऊंगा मैं दे दूंगा पैसे. नहीं लड़कियों भी नहीं पहले बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे फिर उसके बाद. बहुत ही लाल चीन सारे लेकिन सिंगर बहुत अच्छा है. अच्छा भाई आपका पहला जो गाना सॉन्ग था क्या बोलते हैं कि बाकी बातें पीने बाद इतना सुपर हिट हुआ तो बादशाह भाई के साथ आपने काम करा तो बादशाह भाई से मिले कैसे ये हुआ कैसे पहले ये बताओ यार. देखो मैं बादशाह फैन था बंदूक से लेके बादशाह फैन हूँ. ओके तो एवर सिंस आई हर्ड बंदूक फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक वाओ दिस गाइस वोंट बी अ स्टार. और स्टार बन गए थे जब तक बाकी बातें का अप्रोच नहीं किया था मैं ऑलरेडी वो उनका वो आई थिंक वो टाइम पे अभी तो पार्टी शुरू हुई है बहुत बहुत फेमस था. तो मैंने सोचा था कि अरे मुझे कुछ पार्टी गाना लिखना है अभी और कौन रैप और बेटर कौन करेगा मेरे हिसाब से इन दिस कंट्री बादशाह द बेस्ट रैपर है अपना. सो आई अप्रोच हिम सिंगिंग दैट अरे वो ना बोलेगा तो फिर ठीक है यार आई वोंट फील बैड बिकॉज आई एम न्यू नो इट वॉज नॉट अ बिग डील. तो वो भी सोनी म्यूजिक से साइन है मैं भी साइन हूँ. तो सोनी म्यूजिक से हमको मैंने मैसेज भेजा था कि अच्छा भाजी मुझे बहुत आपका म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है बिग फैन
कैन यू लिसन टू माई ट्रैक, अगर आपको अच्छा लगे तो वील टॉक अबाउट इट. तो एक मेल आया था, मैं दो दिन में रिवर्ट करूँगा, ऐसा मैसेज आया था लेबल से थ्रू. दो दिन बाद रिवर्ट किया, मगर गाने के साथ रिवर्ट किया, मतलब रैप पूरा डाल के भेज दिया ऑफिस. मतलब पूछा भी नहीं क्या करना है, गाने के साथ पूरा रैप डाल के, और वैसे ही गाना यूज़ किया हम लोगों ने, कुछ चेंज नहीं किया, फीडबैक देने की जरूरत नहीं. मैंने सुना और बोला कि हाँ ये गाना है, ये रैप है, ये करना है. तो मैं पहली बार उनसे शूट पर मिला था, तो मुझे लगा कि अरे बादशाह नाम है, पूरा स्टाइल में आएंगे, बादशाह किंग एटीट्यूड रहना चाहिए ना. इतने अच्छे इंसान है वो, इतना जोक मारते हैं वो, कभी पता नहीं चलेगा कि उनका नाम बादशाह है. अलाउड है उनका एक्चुअल नाम बोलना? हाँ आदित्य सिसोदिया जी, आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया. हाँ जी, तो ऐसे आदित्य सिसोदिया है वो, जब कैमरा के सामने नहीं है तो आदित्य सिसोदिया है वो. हाँ. कैमरा पे आगे आ जाते हैं तो फिर बादशाह है. ठीक है, तो मतलब काम करने का एक्सपीरियंस बहुत सही रहा. सुपर. अच्छा भैया देखो, फैंस इतने सारे मैसेज करते हो आपको, मुझे तो बहुत लोगों ने कहा कि बाकी बातें पीने बाद का पार्ट टू कब आएगा? बाकी बातें पीने बाद का पार्ट टू मतलब हैंगओवर, वो गाने का नाम हैंगओवर रहेगा. हैंगओवर सलमान भाई का था, दूसरा नाम रखना भाई. तो बनाएंगे कुछ कुछ ऐसा है मतलब बताओ. हाँ बादशाह से अभी नेक्स्ट गाना करना है, एक और गाना, मगर मेरा नेक्स्ट गाना हिप हॉप गाना है. इसके बारे में बताओ, यार वो आप रुको जुलाई तक, उसके बारे में बाद में आऊंगा. हाँ बिल्कुल, मैं खुद आऊंगा आपके स्टूडियो में. अच्छा, हूँ आपके स्टूडियो में, फिर से आ जाऊंगा न्यू दिल्ली. ठीक है भाई, देखो आप म्यूजिक में कितने साल से काम कर रहे हो? 10 साल हो गए. बहुत स्ट्रगल करा आपने, घुसे कैसे इसमें, और स्ट्रगल स्टोरी बताऊंगी पहले घुसे कैसे, उसका स्ट्रगल स्टोरी. घुसा तो बहुत रैंडमली इसमें, क्योंकि मैं गया था न्यूयॉर्क कुछ अलग सीखने के लिए, अभी मैं आर्किटेक्ट बनने वाला था. तो मैंने सोचा कि अरे मुझे कुछ पैशन नहीं है लाइफ में, कुछ अलग कर लूँगा, मैं आर्किटेक्ट बन जाऊँगा. वहाँ पर मुझे म्यूज़िक स्कूल में, जूलियर्ड स्कूल ऑफ म्यूज़िक करके हैं स्कूल, वहाँ पर किसी ने बोला था कि तुम जाओ वहाँ पर, म्यूज़िक में तुम्हें शौक है तो मिल जाएगा कोई. आई मेट सम किड्स फ्रॉम देयर एंड दे आर वेरी पैशनेट. तो 17 साल का लड़का जिसको कुछ नहीं आता है ना, वो पैशन देखता तो ऐसा हो जाता है कि क्या है. तो मुझे ऐसा हुआ था, आई डोंट नो व्हाट आई वांटेड टू डू यार. मैं सिर्फ पार्टी करता था, हार जाता था, टाइम पास करता था, कुछ मुझे आता नहीं था. बेसिकली आई वाज़ अ लोफर. मैं आके स्टूडियो खोल दिया, स्टूडियो को खोला को, तो फिर उसके बाद आई मेट सम पीपल देयर. एक नितिन शंकर करके एक बहुत मेरे मेंटर जैसे हैं वो, तो उन्होंने मुझे आशा जी से मिलाया, आशा भोसले जी ने. और आशा जी को मुझे मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगी. मैं वो टाइम पे सिर्फ इंग्लिश गाता था. तो आई वॉज इन अ मेटल बैंड, अपोकैलिप्स नाम था मेटल बैंड का. ये पता नहीं. तो हाँ, तो मेटल बैंड में था और मैं हिंदी बिल्कुल नहीं गाता था. तो आशा जी ने कहा कि हिंदी भी गाओ मेरे साथ बैंड में गाओ. और आई ट्रेन अंडर फॉर 2-3 इयर्स में टूर करता था. हाँ, तो वी शी शुड आरडी बर्मन कॉन्सर्ट्स. तो आरडी बर्मन के जो भी ड्यूएट गाने हैं मैं आशा जी के साथ स्टेज पे गाया था. तो वे परफॉर्म, मेरा फर्स्ट शो व्हेन आई परफॉर्म इन अ मेटल बैंड, 300 लोग थे. हाँ, उसके बाद और भी कम, 100-150. और फिर आशा जी के साथ मैंने फर्स्ट कॉन्सर्ट जब किया था ना, 10,000 पीपल. तो गोइंग फ्रॉम 150 to 10,000 वो अलग फीलिंग है. ऐसा लगता है कि हाँ मैं मर जाऊंगा, मैं स्टेज में नहीं जाऊंगा. ऐसे बैक स्टेज देखते हैं ना, पूरा वो क्राउड बड़ा चिल्ला रहे हैं उन लोग, ऐसा लग रहा है कि उन लोग अटैक करेंगे. मगर दे लाइक्ड इट, आशा जी लाइक द फर्स्ट शो. सो आई स्टार्टेड टूरिंग विद हर फुल टाइम, 2 साल ऐसे टूर के, पूरा वर्ल्ड टूर किया उनके साथ. तो बहुत उसमें सीखने का टाइम चांस मिला. आया वापस तो देयर वाज सम म्यूजिक डायरेक्टर्स हु वर इंटरेस्टेड इन माय वॉइस, वन ऑफ देम सचिन जिगर. तो खून चूसले हुआ और गोगो अगवान का खून चूसले, वो भी बड़ा हिट हुआ. ये थोड़ा मतलब मेरे हिसाब से है ना, बॉलीवुड जब पहुंचते हैं ना वहाँ पर स्ट्रगल शुरू होती है. एक बार पहुंच जाते हैं ना तुम्हें पता चलता है कि कितना कंपटीशन है, कितनी अच्छी आवाज़ है, कितने सारे सिंगर्स हैं और कितने सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं. और मतलब वो फिर थोड़ा पॉलिटिकल बन जाता है कि एक म्यूजिक डायरेक्टर सिर्फ एक सिंगर के साथ काम करना चाहता है, क्योंकि वो कम्फर्ट लेवल एस्टेब्लिश हो जाता है. तो फिर वो सर्कल में घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर स्ट्रगल शुरू होती है. तो काफ़ी टाइम के लिए मैं स्ट्रगल शुरू की. और कितने साल की स्ट्रगल रही आपकी बॉलीवुड में? हाँ 3 साल के लिए. ओके. तो फिर मैं मुझे एक्टिंग का चस्का लग गया, मैं वापस न्यूयॉर्क चले गया एक्टिंग में करने के लिए. मैं सीख रहा था एक ली स्ट्रासबर्ग करके स्कूल है मेथड एक्टिंग का. हाँ. वहाँ पर सीख रहा था. वहाँ पर किसी ने मुझे बोला कि तुम्हारे गाने तो मुझे पता है कि खून चूसते मैंने सुना है, तुम चल दिए, पीजा 3D का गाना थोड़ा बड़ा हुआ था तो वो भी सुना है. तुम कौन? ये गाना तो, अरे ये तो सैफ अली खान का गाना था, ये तो एक्टर के नाम लेते हैं सब लोग, सिंगर का तो कोई ये है नहीं. और मैंने सोचा कि नहीं यार ये मुझे नहीं करना, अगर मैं करता हूँ तो मेरा नाम होना चाहिए उसके ऊपर, नाम भी हो तो मेरा फेस भी होना चाहिए उसके ऊपर. तो मैं आके मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया.
और YouTube चैनल पे बहुत सारे कवर्स निकाले, मतलब एस टू पुट अप वन एवरी टू वीक्स, और ठीक से प्रोड्यूस करके अच्छी म्यूजिक वीडियो बना के मैं डाल देता था। तीसरा वीडियो बनाया था ना मैंने, तो सोनी म्यूजिक ने मुझे अप्रोच किया, बोला कि हाँ कौन सा गाना था वो, आई थिंक मेहरबानी का। ओके, मेहरबानी का कवर किया था मैंने, सिर्फ आईफोन पे बनाया था पूरा गाना। तो दे रियली इलेक्टेड एंड दे सेड नहीं, साइन करना है। मैंने कहा उनको कि मुझे बॉलीवुड नहीं करना है भाई, अभी फिलहाल तो नहीं करना, बाद में कर सकते हैं। मैं नहीं करो, तुम जो कर रहे हो करो, तुम्हारे पैसे लेके करो और अच्छा करो। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, साइन कर लिया। छः महीने बाद बोला कि तुम्हें लॉन्च करना पड़ेगा, अभी सिंगल निकालना पड़ेगा, तो मुझे स्वीडन भेज दिया और फिर बाकी बातें वहाँ पर करना, प्रोड्यूसर भी वहाँ पर। तो दैट्स बीन द होल स्ट्रगल, बट इट इज बीन अ कन्फ्यूजिंग स्ट्रगल। सी आई एम वेरी लकी टू हैव फैमिली सपोर्ट, दैट इज समथिंग मेरे फैमिली, या बहुत कम लोग होते हैं जिनको नहीं मिलता फैमिली सपोर्ट, उनको अकेले करना पड़ता है। बिगेस्ट थिंग मेरे हिसाब से फैमिली सपोर्ट है। तो आप अगर आप देख रहे हो और आप आपका लड़का और आप या आपकी लड़की को म्यूजिक करना है, एक्टिंग करना है, प्लीज सपोर्ट करो उन्हें, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है। बिना फैमिली सपोर्ट बहुत मुश्किल है कि कोई कुछ भी करना, एक्टर बनना हो या सिंगर बनना हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक फैमिली सपोर्ट। एंड मेरी मम्मी जो है और सब जो मेरे पूरे पूरा खानदान जो है सपोर्ट करता है मुझे, मामा मामी मासा मासी जो भी है, तो दे रियली सपोर्टेड मी इन द बिगिनिंग एंड आई थिंक दैट इज रियली व्हाट मेड द डिफरेंस। क्योंकि क्या होता है ये टाइम का गेम है, शुरुआत में कुछ आपको कुछ सक्सेस नहीं मिलने वाला है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। भाई शुरुआत में काम मिल जाए बड़ी बात है, वही सबसे तो दूर की बात है, काम मिल जाए थोड़ा। मेरा पहला काम था बिंदास टीवी के लिए, फर्स्ट पेड जॉब बिंदास टीवी, आई हैड टू मेक अ शो कॉल्ड म्यूजिक फॉर अ शो कॉल्ड लगेगी। ओके, एक शो था लगेगी करके। हाँ, तो उसके लिए मुझे एक ट्रैक हर दो घंटे बनाने पड़ते हैं, क्योंकि रोज का शो था और आई टू मेक फोर ट्रैक्स। Okay. तो 8 hours में मेरे एक एक, एक, एक गाने दो घंटे मिलते, मुझे गाने का 500 रुपये मिलते थे। सो आई मेड 300 ट्रैक्स फॉर देम, आई गॉट पेड 500 रुपीज पर ट्रैक एंड प्रॉपर ट्रैक्स, ऐसे मतलब पूरा हिप हॉप, इट वॉज हिप हॉप एंड आई टू मेक हिप हॉप टेम्पलेट्स और बीट्स और कभी कभी रैप हुक्स भी बनाने पड़ते। आई मेड 300 ट्रैक्स फॉर देम, आई गॉट ओनली 1.5 lakh रुपीज। बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है मेरे ख्याल से। But that is the start. So I got my experience from there. मैं I didn't know anything about music. तो देखो मेरे family में कोई नहीं करता music, गाता भी नहीं है कोई, music background से नहीं है, all from business people मतलब। तो मुझे ये training, मेरे लिए training बहुत ज़रूरी थी, ये आशा जी के साथ, ये computer के सामने जो बनाने का tracks, वो training बन गई वो मेरी। और फिर उसके लिए मैं बहुत thankful हूँ actually, क्योंकि अभी मुझे सब आता है, मैं compose भी करता हूँ, produce भी करता हूँ। I have produced tracks for international artists also where they have come to India to produce. King. एक लुलू करके है, लुलू फैलमार करके, she was popular in London for a long time. She was the most popular track person that I produced for. Okay. So she used to do African reggae with hip hop. So they flew her label, flew her down to India. UK का label था. Flew her down to India. She recorded her tracks. And we have done a lot of tracks, a lot of Indian artists also and a lot of indie artists. So I've done music for almost 120 albums. काफी कुछ किया मैंने घूम फिर के। तो मतलब इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतना सारा काम करने के बाद अब आप सक्सेसफुल हो गए फाइनली, तो अब कैसा फील करते हो पहले ये बताओ। देखो अभी सक्सेस इज अ वेरी फिकल थिंग, यू नो, आज ऑडियंस याद रखेगा कल भूल जाएगा, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द सपोर्ट आई गॉट, यू नो, एंड आई होप दैट पीपल कीप लिसनिंग टू माय ट्रैक्स। बट ये होप है, ये आशा है, यू कांट रिलाय ऑन इट, यू हैव टू कीप मेकिंग गुड म्यूजिक। आई थिंक दैट आर्टिस्ट शुडंट फॉरगेट दैट वी आर हियर बिकॉज ऑफ आवर फैंस, वी आर नॉट हियर बिकॉज वी आर सो ग्रेट, वी आर हियर बिकॉज ऑफ यू। And it's very important to remember that, and we are doing this for you. Yeah. You know, we are doing this for the fans. For the fans, yeah, yeah. It's not. हाँ तो आप बताओ कैसा feel कर रहे हो इतना सारा success मिलने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है यार, अभी तो शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है। I think the struggle is finally over in that sense, because अभी थोड़ा easy और easier हो रहा है। अगर मुझे इससे सोनल चौहान से के साथ काम करना था, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे वो मेरे साथ काम नहीं करेगी। हाँ। क्या होता है कि नया आर्टिस्ट आता है, सोनल चौहान बोले कौन है, कौन है, मतलब अर्जुन कानूंगो कौन है, मगर ऐसे नहीं हुआ है बाकी बातें के बाद। अब बाकी बातें के बाद भी इतना पीपल हुआ ओपनिंग अप, पूरी लाइफ चेंज हो गई है। वैसे हर लड़की हाँ बोल रही है, ये देख रहा हूँ मैं, हर लड़की हाँ बोल रही है इनको लाइफ चेंज होने के बाद। चलो सही सर, आपकी लाइफ ऐसा और चेंज होते रहे और सक्सेस पाओ। फ्यूचर में कौन कौन से आपके सिंगल ट्रैक्स और बॉलीवुड में क्या क्या स्टफ आ रहा है बताओ। तो अभी मेरा नेक्स्ट है, इसके बाद जब फुर्सत निकलेगा आई विल डू अ प्रमोशनल टूर, विल डू शोज। उसके बाद मैं 2 हफ्ते के लिए छुट्टी ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3 साल से छुट्टी नहीं ली है। तो ये स्ट्रगल की बात यही है कि हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है, ये आपको मिलने वाला नहीं है, आपको छीनना पड़ेगा। तो 3 साल से मैंने ब्रेक नहीं लिया, तो 2 हफ्ते का वेकेशन लूँगा। उसके बाद मेरा एक वेब सीरीज आ रहा है, एक्टिंग है,
एंड दैट वर्क विल बी फ्रॉम जून जुलाई टू अबाउट सितंबर. ओके तो शूट उसमें पे होगी. मैं आई हैव रिटन दैट शो आल्सो. ओके तो वो शुरू हो जाएगा. और आई थिंक माय बॉलीवुड ट्रैक्स, टू बॉलीवुड ट्रैक्स आर ऑलरेडी कंफर्म फॉर दिस ईयर. ओके विल बी रिलीज्ड इन जुलाई एंड सितंबर. आई थिंक राइट नाउ दैट इज द प्लान. और एक अभी टेंटेटिव है दिसंबर के लिए. But I have written for some very big banners this time and they've already been approved and all that is happening, but I can't talk about that now. Abhi wo unka PR jab shuru hoga, jab uske saath I can say whatever has to be said. To abhi to jaldi hai uske liye. Single jab mera naya single niklega July mein. Okay. Now kya? It's a hip hop track. I don't give the name right now. Koi rapper hai usme? Hoega hi. Basha bajunga ya koi aur hoga? Wo pata nahi, wo abhi kismat ke upar hai. Achhi kismat hogi to baat. Dekho ladkiyan na to hi bhul diya aapko, ladke itne acche acche rapper hai wo bhi aapko haan bhul hi denge. होपफुली यार. अभी देखो मैं जैसे मैंने कहा मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, ऑडियंस बड़ा है. अगर ऑडियंस कहेगा हाँ यह ट्रैक अच्छा लगा तो आई विल लाइक दैट मोर देन फीलिंग लाइक अ बिग पर्सन. मेरे ट्रैक सक्सेसफुल होना चाहिए. मेरा सक्सेस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट टू मी. अगर कोई बंदा गुड लुकिंग हो तो उसको एक्टिंग ही करना चाहिए. ये बदलना चाहिए हमें. हाँ क्योंकि सिंगिंग में भी बहुत पैसा है भाई. ऐसे ऐसे नहीं कि बादशाह को देखो तो इट्स नॉट लाइक सिंगिंग में भी बहुत पैसा है. इट्स It's not a, that you if you're good looking you have to do acting. I've always wanted to do singing. तो मेरी acting के ये चस्का बहुत late लगा मुझे life में. और वो लगा क्योंकि I felt like मेरी live performances जो है ना acting से better हो जाएगी. कि performance जो है सब combination है उसका, dancing का भी, singing का भी, acting का भी. तो that's why I started acting. But मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे लगा कि ये भी artist का एक दूसरा expression है. ये दूसरी साइड है. जैसे फुर्सत मेरा अभी दूसरा साइड है बाकी बातें की तरह. सो आई मीन इट्स अ डिफरेंट साइड ऑफ यू. But I mean, I love singing. I don't think there's anything better to do for me than sing and compose music. I love music, so definitely that is the main thing for me. Okay, तो आगे फिल्म फिल्मों को दिखोगे? देखेंगे यार. बोला मैंने कहा कि किस्मत होगी तो let's see. I would love to do a film. I would love to. My whole plan right now is to do the web series first. मुझे अपने आप को अपने space में launch करना है. ठीक है. जैसे बाकी बातें मेरे space में था, मेरे time पे था. It was according to my terms. पूरी करना है मुझे acting के साथ. ठीक है. तो देखो भाई आपके आने से पहले मैंने फेसबुक पर पोस्ट किया था, बहुत सारे फैंस के आपके सवाल है. ठीक है भाई. आदित्य शर्मा इसका सवाल है, कौन से सॉफ्टवेयर पे आप म्यूजिक प्रोड्यूस करते हो? आपकी वॉइस मेलोडी सॉन्ग्स की है बट फिर भी आप ट्रैप सॉन्ग गाते हैं, क्यों? एक तो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर हाँ. सो आई यूज Ableton लाइव 9. मैं काफ़ी किस्म के सॉफ्टवेयर यूज़ कर चुका हूँ यार. प्रो टूल्स, Ableton, Cubase, मुझे कुछ भी चल जाता है. आई डोंट थिंक द सॉफ्टवेयर मैटर्स दैट मच टू बी ऑनेस्ट. एज फॉर द वॉइस क्वेश्चन, अब ये ट्रैप गाना जो है ऐसा नहीं है कि यार एक ही वॉइस एक ही गाने में ही वर्क करेगा. बाकी बातें आप बोल रहे हो कि मेरी आवाज़ मेलोडी की आवाज़ है, मगर बाकी बातों में चल गया ऐसा लग रहा है मुझे कि चल गया. मगर आई लव सिंगिंग बहुत, इसलिए मैं वट एवर आई फील लाइक डूइंग आई डू यार विद माय म्यूजिक. ऐसा कुछ नहीं कि मैं ट्रैप ही गाऊंगा कि बैलेड की करूंगा, जो भी मुझे मेरा मन करता है मैं कर लेता हूँ. दूसरा सवाल भाई विवेक कुमार का है. इनका कहना है कि भाई अर्जुन भाई से पूछ रहे हैं कि कितने प्रोजेक्ट्स इनके बादशाह भाई के साथ आ रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. एक्सपीरियंस तो आपने बता दिया बादशाह भाई के साथ, तो फ्यूचर प्रोजेक्ट अभी देखना पड़ेगा. बादशाह इतने बिजी है. बादशाह भाई का क्या है, उनके मैनेजर बैठे हैं पीछे तो काफ़ी बिजी है अभी. लेट्स सी, आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट. आई होप टू डू एटलीस्ट वन मोर दिस ईयर. ओके. तीसरा सवाल प्रतीक बोहिमिया, इनका नाम है. अभी बादशाह के साथ आपने सॉन्ग किया, फ्यूचर में किन रैपर्स के साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हो? सब सारे. एक तो विवेक के साथ करना है, डिवाइन के साथ. जंगली चीज सुना आपने? हाँ भाई बहुत सारे. बड़ा फैंटास्टिक सॉन्ग. मैं फिटनेस में बहुत मेरा शौक है. आई वेंट फॉर अ 10 किलोमीटर रन द डे. लूप पे बजा यार 10 किलोमीटर के लिए वो गाना. इतना अच्छा लगा मुझे गाना वो. सो आई डेफिनेटली वांट टू डू समथिंग डिवाइन. मुझे एक रफ्तार के साथ आई वुड लाइक टू डू समथिंग. एंड काफ़ी कुछ रैपर्स यार आजकल तो सब टैलेंटेड ही है. सो मच टैलेंट कमिंग आउट. सो आई वुड लव टू डू एनी वन हु वांट्स टू कोलैबोरेट विद मी. यू कैन चेक आउट माई फेसबुक पेज एंड कॉन्टैक्ट मी. आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद यू. सही भाई. फोर्थ सवाल दिविज बलूचा का, बोला आप इतनी जल्दी इंडस्ट्री में कैसे जगह बना ली आपने? पहला गाना सीधा बादशाह के साथ, कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी आपको, इतना जल्दी सक्सेस कैसे मिला? क्योंकि आपने सक्सेस स्टोरी पर सारी बात. आई लाइक टू से समथिंग हियर. देयर इज अ वेरी फेमस कोट व्हिच इज वेरी आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट हियर. इट सेज दैट इट टेक्स 20 इयर्स टू मेक एन ओवरनाइट सक्सेस.
आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी हो गया, मुझे 10 साल लग गए एक्चुअली करने के लिए. इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल, इट्स नेवर अ इजी स्ट्रगल. बट एंड स्पेशली इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, अगर कुछ अलग करना है ना तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, बट इट्स वर्थ इट. दैट मच आई कैन टेल यू. ओके, पर रजनीश मिश्रा इनका बड़ा अच्छा सवाल है, इनका बोला कि हैव यू कंप्लीटेड योर कॉलेज. How did you convince your parents? Actually, I like to write rap and poems, but anyone don't know about it. How should I convince my parents? They are from the 70s. They don't like rap and new music. So, how should I tell them? My parents are from the 60s. So, my dad is from IIT. My mom is a lawyer and a pistol shooter. So, उन लोगों को, I mean, अगर आपको seriously उसका passion है, वो समझ जाएंगे वो. और थोड़ा बहुत शायद लड़ना पड़े, मगर आई डिड कम्प्लीट माई डिग्री. मेरी मम्मी का एक ही शर्त था कि अगर आपको करना है म्यूज़िक तो म्यूज़िक कर सकते हो, मगर कॉलेज डिग्री लाना ज़रूरी है. तो आई डिड हैव, आई डू हैव अ डिग्री. आई हैव अ डिग्री इन मास मीडिया जर्नलिज्म. एंड कैसे कन्विंस करना है वो, अगर आपको सीरियसली पैशन हो तो दोनों साथ में कर सकते हो आप. क्योंकि मैं एक बात बताऊँ आपको कि कोई जल्दी नहीं है. अगर आपको सीरियसली करना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या, आप जो ये लाइन में घुस रहे हो आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी ये लाइन में. तो आप अगर आप श्योर हो, ओनली देन डू दैट, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग स्ट्रगल. एंड इफ़ यू फील लाइक यू कैन डू इट, देन इवेंचुअली योर पेरेंट्स विल सपोर्ट यू, बिकॉज उनको लगेगा कि हाँ मेरा लड़का जो है उनको बहुत सीरियसली करना है, पैसे बना सकता है. इसके साथ डोंट फॉरगेट द मनी एंगल, पैसे बनाना ज़रूरी है. नहीं तो सवाल कैसे करोगे यार तुम. तो डेफिनेटली यू कैन कन्विंस देम, जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, इवेंचुअली एवरीबॉडी विल नो इफ यू रियली लव व्हाट यू डू. एवरीबॉडी विल नो दैट यू लव इट. ओके भाजी, बहुत सारे सवाल जो एक ही लोग, मतलब एक सवाल जो कई लोगों ने पूछा वो था कि भाई यो यो हनी सिंह के साथ फ्यूचर में कोई सॉन्ग आएगा या नहीं. आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो. देयर इज नो प्लान, बट आई एम नॉट ओवरस्टूड, व्हाई नॉट, क्यों नहीं यार. बट ही इज अ वेरी बिग स्टार, अभी तो मुझे वहां पर टाइम लगेगा यार. And it's not like I'm saying that मुझे नहीं करना है, but I'm very happy with everything that I've got. So I'm very grateful to Badshah for giving me a chance. And he gives me a chance, I'll be grateful to him also. Why not? Okay. तो थोड़ी देर पहले आपने खुद ही बोला कि अगर जो भी आर्टिस्ट को मेरे साथ काम करना है वो मैं उनके लिए ओपन हूँ. हाँ जी. तो जो भी अंडरग्राउंड जो अपकमिंग जो मतलब स्ट्रगल करके आ रहा है, अगर आप टैलेंटेड हो मुझे और करना है आपसे काम. ये भाई कैमरा में देख के. हाँ जी. If you're an underground artist and you feel like you have talent, then I want to work with you more. नॉट अभी कमर्शियल आर्टिस्ट तो बहुत हो गए यार. अगर मुझे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट ऐसा मिले जो सच में डिफरेंट हो, आई विल लाइक टू वर्क विथ यू मोर. तो आई हैव एन ईमेल एड्रेस, यू कैन ईमेल टू मी एनी टाइम, arjun@arjunkanungo.com. सिंपल है. वहाँ पर मुझे बहुत सारे डेमोज मिलते हैं, मगर मैं एवरी सिंगल डेमो आई लिसन टू, बिकॉज आई रियली बिलीव देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट इन दिस कंट्री. ये वेस्ट इज बेस्ट वाला आइडियोलॉजी आप भूल जाओ. इंडिया में बहुत सारा टैलेंट है और आप खुद में बहुत बिलीव करो, क्योंकि आई रियली बिलीव दैट वी हैव एवरीथिंग. But I mean, it, there's nothing wrong with working with people in the West. I'm just saying that ऐसे नहीं कि West is best. You know, बहुत talent है. अगर आपको लग रहा है कि आपका underground talent मुझे दिखाना हो तो please mail me. I will listen to everything that you send me. I reply भी करूँगा, अगर अच्छा लगे तो जरूर reply करूँगा. Okay. But किन-किन underground artists को आप सुनते हो? एक तो अभी there's a lot of talent which is in the English music scene, which I really like. I love Spud in the Box. I love there's a lot of like little artists out there. You know, there's a couple of artists even abroad who are underground that I love. There's this girl called Fatai. She's very good. I think the voice, she does YouTube covers and all that. I love her voice. I think that uska seriously talent. She's very young still. I think she's 20, 21. She's much more famous than me over there. She's very famous over there, but she's still like an independent artist. India mein kafi kuch I tell you who I really like. Underground. Hip-hop में? हाँ, hip-hop, जो आप सुनते हो underground. You know, when I first heard the Divine and Nazy, मेरी गली, that was underground. उससे ज़्यादा underground नहीं मिलेगा आपको. तो at that time, I was really, when I was actually in Sony Music when they heard it for the first time. Because at that time, they were launching my track and Divine and Nazy had come and shown them that track. And they were like, अरे ये गाना बहुत first class यार. तो I said that, they showed it to me and I was like, ये तो नया, this is the future song, to be honest. So I wouldn't call Divine an underground artist, but when he was underground, I used to really like his stuff. So I would just like to stress, if you haven't heard Jungle Sher, go and hear it. Trust me, Meri Gali mein also, if you haven't heard it, go hear it. What a fantastic song. I definitely think I want to work with Divine, you know. Okay. So bhai, aap studio mein aaye, thanks for... No, thank you so much for having me. Thanks, Raj. Aapka gaana Fursat, ye daba ke hit hoga, bawal hit hoga. Thank you, bro. Aapka jo gaana tha, baaki baatein, peene baat, usse bhi zyada hit hoga. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Hi, मैं हूँ अर्जुन कानुंगो और आपने अभी मेरे देखा मेरा एक्सक्लूसिव यूट्यूब इंटरव्यू ऑफ 2016 विथ
मेरा भाई राज जोन्स, प्लीज गो एंड लाइक हिज यूट्यूब चैनल राज जोन्स। हाँ, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और भाई का गाना है फुर्सत, उसको दबा के देखें। हाँ, वीडियो और सॉन्ग विल रिलीज सून, प्लीज शेयर इट, लाइक इट, कमेंट ऑन इट। अगर आपको अच्छा भी नहीं लगा मुझे बोलो क्यों अच्छा नहीं लगा, आई वुड लव टू रिप्लाई टू यू। एंड आपका ये फेसबुक पेज भी है? हाँ, फेसबुक पेज राज जोन्स, उसको भी लाइक करें, उस पर भी लड़कियाँ इनके पैसा था मुझे लाइक करें।